हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आज दिवाली है, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं जस्ट अभी नहाकर आई हूँ, मैं काफ़ी लेट उठी हूँ वैसे, बट दिवाली की सफाई तो हो गई है थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत करने को है। और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी रंगोली जो कि आप लोगों को दिखाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैं बनाऊंगी चाय सबसे पहले, क्योंकि बिना चाय के मुझे नहीं लगता कि मेरा दिन शुरू होने वाला है। ऐसे अगर मम्मी ने देख लिया ना गलती से भी मुझे वीडियो बनाते हैं, तो इतनी ज्यादा डांट पड़ेगी, बोलेंगे कि गैस वेस्ट कर रही है। और यहाँ पर मैंने दिवाली के लिए रंगोली बनाना शुरू कर दी थी, और ये मैं बना रही थी मंदिर वाले कमरे में। और मैं बना तो ऐसे रही थी जैसे कि मैं पता नहीं कितनी प्रो होंगी रंगोली बनाने में, और आता मुझे कुछ भी नहीं था। कि आपको आगे देखकर ही पता लग जाएगा कि मैंने कितनी अच्छी रंगोली बनाई है यहाँ पर। ये रंगोली मैंने बनाई है, आई नो इतनी अच्छी नहीं बनी है, बट चलो पहला प्रयास शायद मेरा थोड़ा फेल रहा। अब मैं एक और रंगोली बनाऊंगी, तो देखती हूँ वो कैसी बनती है। और ये मेरे घर में कुछ पुराने दिए बचे थे, तो मैंने सोचा इनको पेंट कर देती हूँ, तो ये सब मैंने किया है। आप बताना आप लोगों को कैसा लगा है। और रंगोली का तो मुझे पता है इतने अच्छे कमेंट आएंगे नहीं, बट फिर भी मैंने थोड़ा बहुत ट्राई किया है। तो अब मैं दूसरी रंगोली बनाती हूँ, वो जो मैं घर के बाहर बनाऊंगी, ये तो मैंने मंदिर में बनाई थी। बट चलो अब मैं दूसरी रंगोली बनाती हूँ और देखती हूँ कि वो कैसी रहती है। ये तो बहुत सिंपल जैसी बनाई थी, और ये भी बहुत गंदी बनी है, बट चलो देखती हूँ कि दूसरी रंगोली कैसी बनती है। और यहाँ पर मैं दूसरी रंगोली की तैयारी कर रही थी, जो कि मैं बना रही थी बाहर आंगन में, तो वो मैं देख देख के बना रही थी फ़ोन में, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया था। आपको भी नहीं आएगा जब आप पूरा लुक देखोगे, या इस रंगोली का पूरा लुक देखोगे तब आपको भी लगेगा कि थोड़ा सा तो है पजल, बट फिर भी मैंने बनाई। और यहाँ पर मेरा फ़ोन दो बार गिर गया था, और मुझे ऐसा लगा था कि अब तो ये मेरा फ़ोन गया, बट शुक्र है बच गया था। तो यहाँ पर मेरे पास कोई भी मतलब सांचे नहीं थे रंगोली बनाने के लिए, बट फिर भी मैंने हाथों से बनाई। इतना देखकर तो मुझे बहुत सुंदर लग रही थी ये रंगोली। और ये वीडियो विक्की बना रहा था, विक्की भी मेरी काफ़ी हेल्प कर रहा था, कभी रंग ला रहा था, कभी वीडियो बना रहा था, तो इसने मेरी काफ़ी हेल्प की है इस रंगोली को बनाने में, इसका भी काफ़ी हाथ है। वैसे तो ये बोल ही रहा था जब ये रंगोली पूरी बन गई थी, तब ये बोल रहा था कि ये मैंने बनाई है, बट चलो इसने भी मेरी हेल्प की है तो इसने ही बनाई है, ऐसा मान लेते हैं। तो दिवाली की रंगोली मेरी डन हो चुकी है, और जो कि कुछ ऐसी दिख रही है। आई नो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं आती है, मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ दिवाली, मतलब आई मीन रंगोली। पहले मुझे अपनी रंगोली इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, बट बाद में काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत सुंदर बनाई है, तो फिर मुझे भी बहुत सुंदर लगने लगी। 5 बज चुके हैं और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रेडी हो जाती हूँ दिवाली के लिए, तो मैं वही पिंक सूट पहनने वाली हूँ जो मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है वो सूट,
बाल वगैरह कर्ल करके तो मैं तैयार पूरी हो चुकी थी, बट तैयार होने के बाद मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, तो इसलिए मैंने अपनी पिक शेयर कर दी कि मैं ऐसी लग रही थी। तैयार होने के बाद फिर हम पूजा करने आ गए, क्योंकि शाम की आरती का समय हो गया था, इसलिए हम सब ने साथ में पूजा की। पूजा करते टाइम ना मैं दीदी वगैरह को भी बहुत मिस कर रही थी, क्योंकि जब वो दोनों होते थे तो बहुत मज़ा आता था। हम बहुत साथ में तैयार होकर साथ में पूजा करते थे, फिर साथ में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करते थे, अच्छा अच्छा खाना बनाते थे वो लोग। वो भी ज़्यादा मिस कर रही हूँ, बट उन लोगों को भी मिस कर रही थी कि इस टाइम पर वो भी साथ होते तो कितना अच्छा होता, पर अभी वो अपने अपने घर में हैं तो क्या कर सकते हैं, वो भी वहाँ पर भी इंजॉय कर रहे हैं और हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, कोई बात नहीं। बट उनको मिस कर रही थी इस टाइम पर मैं। आरती करने के बाद हम गए पटाखे फोड़ने के लिए, क्योंकि विक्की का बहुत ज़्यादा मन था पटाखे वगैरह फोड़ने का। मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है पटाखे वगैरह के लिए, बट विक्की का काफ़ी मन था तो मम्मा ले आए थे थोड़े बहुत पटाखे, और फिर वही हम सब जला रहे थे। तैयार की नहीं हुई है तू हैप्पी दिवाली। क्यों नहीं तैयार हुई है तू? है ओहो हाँ, बहुत हैवी था ना इसलिए, है ना? तो आज का मेरा व्लॉग यहीं खत्म होता है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट एंड लाइक शेयर ज़रूर करें, ये करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।